बोलो जयकार, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, बंदव चरण सरोज गुरु मुद मंगल यागार, जैसे वतन होत है तो भव सागर से पार, के गुरु के सिमरण मात्र से नाशत विघन अनंत, ताते शर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद जी, जय गुरुदेव, जय सियाराम। आज 28 मार्च सन 2022 दिन सोमवार, आज पाप मोचनी एकादशी है। आज सूर्य उदय का समय 6:17 प्रातः और सूर्यास्त का समय शाम को 6:25 पर है। आज का राहु काल 7:48 पर प्रातः, समाप्ति का काल 9:19 पर प्रातः होगा, अर्थात 7:48 से 9:19 तक कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। आज 87वां पाठ आप सुन रहे हैं, कल आपने 86वां पाठ सुना। गुरु आज्ञा का पालन और सतगुरु के देव के दरबार में कमी कहूँ की ना है। ऐसा दरबार जो सबकी झोलियाँ भरता है। आज आप 87वें अध्याय में सुनेंगे मंगल का व्रत और नारद की कथा। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। कोटली मोहम्मद सदीक में आप एक चोर तो क्या 5 चोरों के साथ मिले हुए हो, उनके आज्ञा अनुसार चलते हो। काम क्रोध लोभ मोह तथा अहंकार, ये 5 चोर हैं जो जीव इन 5ों से मिलकर काम करेंगे, वे मुजरिम हैं। इसीलिए हम आपको चेतावनी देते हैं कि 4 चोरों से बचो और सच्ची सरकार के कर्ता धर्ता ईश्वर के होकर रहो। गुरुवाणी का वाक्य है, काम क्रोध नगर बहु भरया, मिल साधु खंडन खंडा है। अर्थात हमें 5ों काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से हमेशा बचना चाहिए। काम वासनाओं में लिप्त नहीं रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी किसी से लोभ भी मत करो, वो चाहे परमात्मा ही क्यों ना हो। मोह इससे भी बचो, जितना मोह हम करेंगे उतना ही दुख हमारे जीवन में आएगा। और अहंकार, कितने भी बड़े आदमी बन जाओ कभी जीवन में अहंकार मत लाना, क्योंकि आप तो जानते हैं अहंकार तो रावण का भी नहीं। तो आइए आज की कथा प्रारंभ। मंगल का व्रत। चकोड़ी आश्रम में श्री महाराज जी लगभग जनवरी सन 1934 में भकड़े वाली आश्रम में पधारे। सतगुरुदेव जी के आगमन से प्रेमियों के हृदयों में प्रसन्नता उल्लास छा गया। दादा दीनदयाल जी अपने नियमानुसार रोज सत्संग किया करते थे। एक दिन बस इस दास के शारीरिक नाते से पूज्य माता हरकौर जी सत्संग सुनने के लिए आई।
सत्संग की समाप्ति पर प्रसाद बांटा गया। माताजी ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की कृपा मुझे अपने हाथों से प्रसाद दीजिए। महाप्रभु ने माताजी को थोड़ा प्रसाद दे दिया। उस दिन माताजी ने मंगल का व्रत रखा हुआ था। इस व्रत का नियम यह है कि दिन के पिछले पहर अन्न जल ग्रहण किया जाता है। माताजी ने दिल में विचार किया कि घर जाकर गाय ब्राह्मण की सेवा करके अर्थात उनको भोजन खिलाकर फिर स्वयं भोजन करके यह प्रसाद खा लूँगी। उनके मन में यह भ्रम हो गया कि बिना व्रत संपूर्ण किया प्रसाद क्यों खाऊं? यदि व्रत भंग कर दिया तो मंगल देवता श्री महावीर जी मुझ पर कोप करेंगे और मैं पाप की भागी बनूंगी। श्री महाराज जी के प्रसाद के प्रति जो दिल में भाव और प्रेम होना चाहिए था वह न हुआ। यानी कि उन्होंने सोचा भी यह प्रसाद नहीं खाऊंगी वरना मेरा व्रत टूट जाएगा और जब व्रत पूर्ण हो जाएगा उसके बाद खाऊंगी। जब यह बात कुछ सत्संगों तक पहुंची उन्होंने माता जी को समझाया कि श्री महाराज जी का दिया हुआ प्रसाद कोई साधारण चीज नहीं है। इसके खाने से हृदय शुद्ध होगा और पाप नष्ट हो जाएंगे। आप विश्वास पूर्वक इस प्रसाद को खाइए और फिर घर जाकर अपने जो नियम करना हो सो कर लेना। परंतु माता जी न मानी और अपने हट बस घर को चली गई। अब श्री महाराज जी की अद्भुत लीला देखिए कि जिस रास्ते से माता जी अनेक बार आश्रम में आती थी अब वह रास्ता ही उन्हें भूल गया और वे इधर उधर घूमने लगे। लगभग एक घंटा तक माता जी रास्ते में की खोज करती रही परंतु उन्हें मार्ग न मिला। लज्जा के कारण उन्होंने किसी से रास्ता भी न पूछा क्योंकि सामने ही अपना गाँव था और वहाँ रहते हुए उन्हें 40 वर्ष बीत चुके थे। वे सोचने लगी कि लोग क्या कहेंगे कि आज अपने गांव का मार्ग ही भूल गई। बस इसी विचार के कारण माता जी ने किसी से रास्ता न पूछा परंतु दिल में यह विचार आया कि यह सब गुरु महाराज जी के प्रसाद की निरात्री का फल है। यह विचार आते ही उन्होंने श्री महाराज जी के चरण कमलों का ध्यान करके प्रसाद खा लिया और उसी समय उन्होंने क्या देखा कि वे उसी मार्ग पर खड़ी है जिस रास्ते से अपने गाँव जाना था। अब माता जी घर जाने की बजाय श्री महाराज जी के चरणों में आश्रम पहुंची और सतगुरुदेव जी से अपनी भूल की क्षमा मांगी। फिर माता जी घर चली गई। थोड़े ही समय में सब संगत को श्री महाराज जी की इस अपार महिमा का पता चल गया। हमने तो देखा है लोग प्रसादों को पैरों में कुचलते फिरते हैं, प्रसाद ले लिया खाते नहीं, इधर उधर रख दिया और फिर भूल गए, फिर वो पड़ा निराधर होता रहता है। सोचिए प्रसाद कितना महत्वपूर्ण होता है, हमें प्रसाद का निराधर नहीं करना चाहिए वरना दास की माताजी तो चंद सोम के लिए अपने रास्ते भूल गई थी, हम तो ताम्र के लिए अपने जीवन के रास्ते भूल जाते हैं और जब रास्ते भूल जाते हैं तो कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो हमेशा याद रखिए आप कहीं भी जाएँ किसी भी दरबार में जाएँ प्रसाद का निराधर ना करें, प्रसाद को माथे से लगाकर हमेशा और प्रसाद हाथ में आते ही थोड़ा प्रसाद जरूर चख लेना चाहिए आपका चाहे व्रत है या नहीं है। नारद की कथा। एक दिन एक भक्त ने श्री महाराज चरणों में आकर प्रार्थना की कि दादाजी माताजी ने बड़े विश्वासपूर्वक व्रत रखा हुआ था फिर उन्हें दुख क्यों हुआ और वे मार्ग क्यों भूल गई? उस भक्त की बात सुनकर श्री महाराज जी ने उन्हें श्री रामचरित मानस का वे प्रसंग सुनाया। राम विमुख लही विधि सब देही और सुर नर मुनि ने प्रसन्न सहित ही। भाव यह है कि जो अपने इष्ट देव से विमुख होकर किसी अन्य देवता के से कल्याण चाहता है वह देव भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा के समान क्यों न बन जाए उस पर देवता मुनिजन प्रसन्न नहीं होते, इसके विपरीत वे उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और गर्व गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं कि जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है और जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है, परंतु जो गुरु से विमुख होकर मेरा भजन करना चाहे उसे करोड़ों वर्ष तक नरक भोगना पड़ता है, उसका दर्शन चंडाल के दर्शन के समान है। परम भक्त नारद जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। नारद गुरु की निंदा कीनी उलट उसे 84 दीनी, रंचक जो गुरु दया बिचारी नारद की 84 टारी। अर्थात देखिए कहा गया है भगवान कृष्ण के अर्जुन को समझा रहे हैं जो मेरी आज्ञा मानता है
जो गुरु की आज्ञा मानता है समझो उसने मेरी आज्ञा मान ली, जो गुरु की सेवा करता है समझ लो उसने मेरी सेवा कर ली, और जो गुरु से विमुख होता है समझो वो मुझसे विमुख हो गया। वो कितने भी देवी देवताओं की पूजा कर ले उसे कोई फल मिलने वाला नहीं है, लाखों वर्ष तक वो नरकों में घूमता फिरेगा। अब आप कल्पना कीजिए, हमारे कितने ही भक्त ऐसे भी होते हैं, वो कभी किसी दरबार में पहुंच जाते हैं, कभी किसी दरबार में पहुंच जाते हैं, कोई खाटू श्याम को मानता है, कोई बालाजी को मानता है, कोई इधर उधर जाता है और अपने दरबार में आना बंद कर देते हैं। ये खास तौर से आज का प्रसंग उन्हीं लोगों के लिए है। गुरु महाराज जी ने कहा है जो अपने इष्ट देव को ठुकरा कर अन्य किसी के शरण में जाता है उससे समस्त देवी देवता नाराज हो जाते हैं। आप अपने इष्ट देव के चरणों से बंधे हुए दर्शन किसी के भी कर लें, दरबार में किसी के भी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपने इष्ट को ठुकरा कर, अपने गुरु को ठुकरा कर आप उनका निरादर करें और अन्य देवताओं की पूजा करें तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये याद रखना। और यह नारद जी का प्रसंग दिया है। नारद अपने गुरु धीमर को तुच्छ जानकर भगवान विष्णु की शरण में आए और बोला गुरु तो मिले पर मछली पकड़ने वाले धीमर। अभी नारद जी ने ये सब तो पूरी तरह से कहे भी नहीं थे कि भगवान तत्काल बोले ये नारद तूने गुरु में दोष देखा है इसलिए तुम्हें 84 भोगनी पड़ेगी, अर्थात मुझे तुझे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तब नारद जी ने प्रार्थना की कि भगवान मेरी 84 आप ही काट डालिए, आप सब जगत के रक्षक हैं, क्या मेरी 84 नहीं काटेंगे। भगवान विष्णु बोले नारद यह ठीक है कि मैं जगत का पालक हूँ, परंतु जो जीव अपने सतगुरुदेव से विमुख हो मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। आप अपने गुरुदेव के पास जाओ और उनसे क्षमा मांगो, मैं गुरु विमुख को अपने पास नहीं रख सकता और न ही कुदरत के नियम को बदल सकता हूँ, गुरु वचनों द्वारा ही आपकी 84 कट सकती है। स्वयं भगवान कह रहे हैं नारद जी से, नारद कोई मामूली चीज नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है, देव ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र, सारे समस्त ग्रंथों के, वेदों के, शास्त्रों के, उपनिषदों के ज्ञाता। अब सोचिए एक गुरु के प्रति जरा सा अपमान शब्द बोलने से 84 लाख योनियों का भ्रमण तैयार हो गया तो हम और आप तो कुछ भी नहीं है, हम तो न जाने अपने गुरुओं को कितना कितना कह रहे थे, तो फिर हमारे लिए क्या होगा। इसी बात को सोच लीजिए, ये ग्रंथ कोई झूठा ग्रंथ नहीं है, ये कथाएं कोई झूठी नहीं है, इसलिए हमेशा अपने गुरु के प्रति आदर और सत्कार रखिए और कभी भी गुरु को त्यागने की चेष्टा मत कीजिए वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तब नारद जी फौरन अपने गुरुदेव के पास गए, इधर भगवान विष्णु ने तत्काल वही धीमर का रूप धारण कर लिया और नारद जी को गुरु रूप में मिले। नारद ने अहंकार को दूर करने के लिए ही उसे धीमर रूप में मिले। धीमर कौन थे जो नारद जी के गुरु धीमर बनकर वहां मिले थे? वो कोई और नहीं, स्वयं विष्णु भगवान आए थे सिर्फ उनका अहंकार तोड़ने के लिए। वास्तव में गुरु को अर्पण अपना अहंकार ही किया जाता है। भगवान विष्णु ने इसलिए नीच धीवर का रूप धारण करके अपने भगत का अहंकार दूर किया कर दिया। नारद जी ने अपने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और सारा समाचार कह सुनाया, साथ ही विनती की गुरुदेव आप क्षमा कीजिए, मैंने आप में दोष देखा जिसके कारण भगवान ने कहा कि तू 84 लाख योनियों में भटकेगा, इसलिए कृपा करके आप मेरे 84 के चक्र को काटें, मैं आपका ही दास हूँ। जब गुरुदेव ने नारद जी से ऐसे नम्र भरे शब्द सुने तो उन्हें अपना शुभ आशीर्वाद देकर कहा, ए नारद जी आप भगवान विष्णु के पास जाकर पूछिए कि 84 कैसी होती है, मुझे उसका नक्शा बना दीजिए, जब भगवान विष्णु उसका नक्शा बना कर दें तब आप उसके ऊपर लेट जाना, यदि भगवान विष्णु आपसे पूछे कि ये क्या कर रहे हो तो उन्हें कह देना कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा है कि इसी प्रकार 84 हो। नारद जी ने गुरु वचनों का पालन करते हुए ठीक वैसा ही किया। भगवान विष्णु ने उन्हें पूछा कि नारद जी आप यह क्या करते हो? उन्होंने उत्तर दिया मेरे गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है, इस प्रकार आपके सामने ही 84 भोग लूं। यह सुनकर भगवान विष्णु हंस पड़े और बोला यदि आपके गुरु की ऐसी ही आज्ञा है तो जाओ आपकी 84 कट गई।
आज से आप मुक्त हुए। इस प्रकार नारद जी का भ्रम दूर हो गया और वे जीवन मुक्त हो गए। कहते भी हैं गुरु कृपा से नारद की 84 कट गई पल भर में, एक सेकंड में उनकी 84 समाप्त हो गई। लेकिन उनकी तो हो गई, अब तुम लोग इस चीज का यत्न करो तब है ना। गुरु के प्रति हीन भावना रखने वाले, गुरु के प्रति दुर्व्यवहार करने वाले, गुरु के प्रति गलत गलत शब्द बोलने वाले, हमने तो ऐसा भी देखा है, सुना भी है कि लोग सत्संगों में आते हैं, जितने सत्संग में बैठे हैं ठीक है, और सत्संग से बाहर निकलते के साथ ही और गुरु की निंदा शुरू हो जाती है। आज तो गुरुजी ने ऐसे कह दिया, आज तो गुरुजी ने ऐसे कह दिया। अब सोचिए गुरुजी सत्य वचन ही तो बोलेंगे, वो सत्य वचन आपको कड़वे लग रहे हो तो उसमें गुरु की क्या गलती है। आप बुरे कर्मों में लिप्त हो इसलिए आपको बुरे लग रहे हैं, अगर आप सत्कर्म में लिप्त हो तो आपको गुरुजी के वे वचन बुरे नहीं लगेंगे। गुरुजी आपको खुश करने के लिए नहीं बैठे, गुरुजी आपको सत्य मार्ग दिखाने के लिए बैठे हैं। इसलिए कभी भी भूलकर गुरु की निंदा ना करें। और जिस दिन आपने एक शब्द भी गुरु के निंदा में निकाल दिया, समझ लीजिए फिर आपकी 84 काटने वाला भगवान भी नहीं है। श्री महाराज जी के इन वचनों को सुनकर उस भक्त ने प्रार्थना की कि महाप्रभु जी कृपा करके आप मेरी शंका का निवारण कीजिए कि नारद जी को गुरु ने ये क्या बताया कि भगवान विष्णु से 84 का नक्शा बनवा लो। श्री महाराज जी बोले उस समय गुरु ने जो रूप धारण किया हुआ था उसी के अनुसार ही उन्होंने नारद जी को उत्तर देना था, ताकि उन्हें ये पता न चले कि गुरु मेरे गुरुदेव कोई अद्भुत स्वरूप है। नारद जी को यह महसूस होता रहे कि मैं इतना तपस्वी होकर भी नीच की शरण में लाभ उठा रहा हूँ और मेरी चतुराई किसी काम नहीं आई। सिद्धांत यह है कि 84 का बीज अर्थात नक्शा केवल नाम रूप ही है। इस जीवन ने अपने नाम और रूप का मनन किया हुआ है, इसलिए हर योनि में इसे नाम रूप मिलता है रहता है। भगवान विष्णु ने नाम और रूप मिलाकर जगत रचना का चित्र खींच कर मन रूपी नारद के आगे रखा है, इसका मनन करो। यदि मन में इसका मनन कर लिया तो यह जरूर 84 के चक्र को भोगेगा, और यदि मनन न किया अर्थात मेरे गुरुदेव ने समझाया था उसके अनुसार नक्शे को मंजूर न किया तो ये जीवन मुक्त रूप ही है। गुरुदेव के वचनों से ही नारद की 84 और आवागमन का दुख दूर हुआ। निरंतर स्वरूप में स्थिर होकर नारद जी को निश्चय हुआ कि अब मैं मुक्त हुआ हूँ। श्री महाराज जी के इन गुरु वचनों को सुनकर अपने जिज्ञासावश उस प्रेमी ने फिर पूछा, गुरुदेव आप किस भक्ति के प्रभाव से इस पद पर पहुँचे। श्री महाराज जी के इन गुरु वचनों को सुनकर अपने जिज्ञासावश उस प्रेमी ने फिर पूछा, गुरुदेव नारद किस भक्ति के प्रभाव से इस पद पर पहुँचा था जिससे वो रोज विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाता था, कृपा करके इस प्रसंग पर प्रकाश डालिए। श्री महाराज जी बोले, कई धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि नारद जी दासी के पुत्र थे जो अपने पहले जन्म में अपनी दासी रूप माता जी के साथ महात्माओं के आश्रम पर जाकर सेवा किया करते थे। संतों की कृपा से इन्हें जो भोजन मिल जाता उसी से अपना गुजारा किया करते थे। इस प्रकार सेवा करते हुए काफ़ी समय बीत गया। देवयोग से एक दिन उस दासी का शरीर शांत हो गया। अब वह लड़का महात्माओं के आश्रम में रहकर सेवा करने लगा और नित्य प्रति प्रभु लीला कथा कीर्तन सुनने से उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। समय पाकर उसका भी शरीर शांत हो गया तो जिस तरफ उसकी नज़र जाती उसे महात्मा ही महात्मा खड़े दिखाई देते। उसकी चित्त वृत्ति अंतिम समय में सतोगुण में प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए कानों में भगवान के गुणानुवाद की आवाज़ आ रही थी। अपने उत्तम संस्कारों के कारण वो दासी पुत्र धरती से ब्रह्मलोक में चला गया और उसका दूसरा जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र नारद के रूप में हुआ। सात्विक वृत्ति से वे सतोगुणी विष्णु भगवान रूप ही हो गए। भगवान ने उसे प्रसन्न होकर वरदान दिया कि ए नारद जी तुम मेरे हृदय हो। गोसाई तुलसीदास जी ने नाम का प्रभाव बताते हुए कहा है, नारद जाने वो नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हर हरि प्रिय आपू।
भावार्थ यह है कि नारद जी ने प्रभु नाम के प्रताप को ऐसा जाना, अर्थात नाम जपने से नारद जी भगवान को इतने प्रिय हो गए कि जिस भगवान विष्णु को सारा संसार जपता है, अर्थात सभी भक्त उसके नाम का स्मरण करते हैं, वही भगवान विष्णु स्वयं नारद जी का स्मरण करते हैं, अर्थात उन्होंने नारद जी को अपनाया है और श्री महाराज जी के प्रेम भरे वचनों को सुनकर उस भक्त के सारे संशय दूर हो गए। कितनी बड़ी लीला है नाम की और कितनी बड़ी कृपा है गुरु की। हम फिर भी गुरु की शरण में नहीं जाते, हम फिर भी गुरु से विमुख होते हैं, हम गुरु की शरण में रहते हुए गुरु की निंदा करते हैं। कभी नहीं सोचते कि हम अगर गुरु की निंदा एक शब्द भी जब नारद को 84 लाख योनियों में पूजा सकता है तो हम कहाँ पहुँचेंगे। इसलिए जितने भक्त आज इस कथा को सुन रहे हैं, इस नारद प्रसंग को सुना है, मैं कम से कम उन भक्तों से तो ये कहूँगा कि आज से कसम खा लो कि कभी गुरु के प्रति एक शब्द भी उनकी शान में ऐसा नहीं बोलोगे कि आपको 84 लाख मिले, 84 योनियों में भटकना पड़े, कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली बनना पड़े। इसलिए गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना सीखो और गुरु आज्ञा माने सोई साधु, यह भी आपने अध्याय 2 दिन पहले सुना था। गुरु की हर आज्ञा का पालन कीजिए, आपका हानि होए तो होने दीजिए और गुरु का कथन मान सब लीजिए। कितनी भी बड़ी हानि हो जाए हो जाने दो, लेकिन गुरु की आज्ञा ना ठुकराओ, इसी में ही आपके जीवन का कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।